सभी को मेरी तरफ से राम राम। ये जो अभी आप ये सारा दृश्य देख रहे हैं ना, ये जम्मू में इस समय हर जगह का यही दृश्य है। हर जगह ट्रैफिक का जाम, जिसके लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ट्रैफिक विभाग की, क्योंकि ट्रैफिक विभाग का काम है यहाँ पर आके ट्रैफिक को सुचारू तौर पर चलवाना, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। कोई इतना बड़ा जाम नहीं है, ये बस सभी को पहले जाने की है। और यहाँ पर जो लाइट थी, एक बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तब से वो लाइट टूटी है, वो पता नहीं चलने का उसका कोई नाम नहीं है। तब से यहाँ पर रोज़ का यही काम है, लेकिन आज 31 दिसंबर है और आज मैक्सिमम लोग बाहर निकले होते हैं और ट्रैफिक वाले सब अंदर हैं। मैक्सिमम चलान वगैरह में ही आपको ट्रैफिक कर्मी सारे नज़र आते हैं, और कई ट्रैफिक कर्मी जो है सिर्फ और सिर्फ जो चलान काटने में ही मसरूफ़ मिलेंगे। लेकिन इस समय जब आप ये देखेंगे, ये जो ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको कोई भी, इसके लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा कि कोई यहाँ पर आए और आकर इस ट्रैफिक जाम को खुलवाने की कोशिश करे। ये है मेन चौक, जहाँ से मेन इस ट्रैफिक जाम का जो एक सिलसिला शुरू होता है, इसी चौक पे आप देखेंगे ये गाड़ी वाला है, इसको भी पहले जाना है, वो आगे वो गाड़ी वाला है उसको भी पहले जाना है, और वहाँ से जो आ रहे हैं उनको भी पहले जाना है। तो पहले पहले के चक्कर में यहाँ पर ये पूरा का पूरा मंज़र देखने को मिलता है, जिसमें सफ़र होना पड़ता है सभी को। 2 मिनट के लिए अगर कोई रुक जाए और दूसरे को जाने दे, तो ये ट्रैफिक का कभी भी यहाँ पर इतना बड़ा झमेला ना पड़े। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर सुचारू तौर पर चलवाने के लिए एक ड्यूटी रहती है ट्रैफिक कर्मी की, जो यहाँ पर मिसिंग होती है मैक्सिमम टाइम। और आज तो 31 है, सभी को पता है कि ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है जाम वगैरह, तो आज तो ट्रैफिक कर्मियों को होना चाहिए बाहर। लेकिन पूरे जम्मू में इस समय हर जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बोलूँगा वो भी बताएं अपने अपने इलाके में कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक की ये स्थिति है। इस समय त्रिकुटा नगर, छन्नी, ग्रीन बेल्ट पार्क, मेन स्टॉप और जानीपुर, परेड, इन सभी इलाकों में जो है ट्रैफिक जैम है, और इस समय हर जगह यही स्थिति ट्रैफिक की देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, जो बहु प्लाजा की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा इस समय ट्रैफिक की आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइन सी लग गई हुई है। कोई भी यहाँ पर रुक के राजी नहीं है, कोई भी अपना वक्त 1 मिनट के लिए जहाँ ज़ाया नहीं कर सकता, सबको निकलना है। और इसी बीच में लगता है ये बहुत बड़ा एक ट्रैफिक जैम, और आपके सामने है ये दृश्य। ये जम्मू के इस समय हर जगह पर इस समय इसी तरह का ट्रैफिक जैम है। और आज 31 तो है ही, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात ये है कि आज लोग बाहर भी निकलते हैं सभी गाड़ियाँ लेकर, और उसी बीच में जो है गाड़ियों का ये पूरा कंजेशन भी देखने को मिलता है। तो आपके सामने ये जो विजुअल्स हैं, ये तो इस समय बाहू प्लाजा से आने वाले रास्ते के आप देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह के विजुअल हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर भी आप हैं इस समय, आप इस वीडियो में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक का ये जो है इस तरह का ही जो मंज़र है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में कोई VVIP गाड़ी आ जाए तो उनके जो पुलिसकर्मी हैं गाड़ी के अंदर, जो उनकी सिक्योरिटी होती है, वो फटाफट आके ट्रैफिक का वो एरिया जो है खुलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ट्रैफिक का यही कंडीशन यहाँ पे रहती है। यहाँ पर एक ट्रैफिक कर्मी होना चाहिए जो कम से कम यहाँ पर लोगों का इस ट्रैफिक के जंजाल से बाहर निकाले, लेकिन कोई नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक कर्मी सिर्फ और सिर्फ चलान काटने के लिए सबसे पहले हैं। लेकिन अगर कहें कि लोगों का काम करना है, तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक कर्मी ज़रूर मिसिंग मिलेगा। यहाँ पे जो रेड लाइट्स है, ये भी यहाँ पर काम नहीं करती है। ट्रैफिक लाइट्स पूरी तरह से ख़राब है। आपके सामने ये जो ट्रैफिक लाइट्स है, ये पूरी तरह से ख़राब है यहाँ पर, जिस कारण ये सबसे बड़ा नुकसान इस समय लोगों को उठाना पड़ता है, और लोग इसी तरह से जो है परेशान हो रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में इस समय यहाँ पर
ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जो कहीं पे जाने वाले लोग हैं जिनको कहीं वक्त पे पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाते इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का एक बड़ा जंजाल आपको देखने को मिलेगा जो इस समय आपके सामने इस वीडियो में देख रहे हैं। और बिल्कुल सही एक व्यक्ति कह रहे हैं कि जानीपुर में भी इसी तरह के ही, तो मैंने जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में कहा कि काफ़ी जगहों पर इस समय जो है ऐसे ही दृश्य हैं, और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके इलाके में भी क्या ऐसा ही मंजर है, ऐसे ही ट्रैफिक जैम है। और मैं ट्रैफिक विभाग को भी कहूँगा कि खास करके जिस दिन कोई इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं उस दिन बाहर रहना चाहिए इन इम्पॉर्टेंट जगहों पर। कई ट्रैफिक कर्मियों को मेरी बात नहीं पसंद आ रही होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब वो अच्छा काम करते हैं मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर उनको होना चाहिए। जहाँ पर वो होते हैं, जहाँ पर वो अच्छा काम करते हैं मैं उनके साथ हूँ, लेकिन जहाँ पर वो नहीं है तो वहाँ पर उनकी कमी बतानी पड़ेगी। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर उनको होना चाहिए था, यहाँ पर उनको पता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और इसी के आगे आप बहु प्लाज़ा चले जाइए, सेम मंजर, बहु प्लाज़ा में भी ऐसा ही है, रेलवे स्टेशन के बाहर भी ऐसा है, सैनिक कॉलोनी वाला चौक वहाँ पर भी ऐसा ही है, छन्नी में ऐसा है, त्रिकुटा नगर में ऐसा है, पूरा का पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है और ट्रैफिक विभाग सो रहा है। देखते रहे जेके मीडिया, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तो कम से कम ट्रैफिक विभाग आए बाहर और इन सड़कों को सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक चले उसका ध्यान रखें। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम और नए साल की मुबारकबाद।